नमस्कार, मेरा नाम गौरव चौहान और मैं आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफाइड योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और एक योगा थेरेपिस्ट भी। आज हम फ्रोजन शोल्डर की बात करेंगे। शोल्डर में कभी कभी ऐसी तकलीफ आ जाती है जो कि अगर आप चाहकर भी उठाना चाहें तो शोल्डर लॉक हो जाता है और उठ नहीं पाता है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे कॉमन अगर हम समझना चाहें तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ऐसे करके एक बॉल है और उसमें आपका सॉकेट है, बीच में सनोवियल फ्लूइड होता है, एक ऐसा जेल जैसा मान लें। वो फ्लूइड मान लीजिए अगर जकड़ गया और ज़्यादा मान लीजिए उसकी जो फ्लूडिटी है वो कम हो गई तो वो स्टिफ हो जाता है, वो पकड़ लेता है और छोड़ नहीं पाता। ये एक है। दूसरा, चोट भी लग जाती है हमारे कई बार तो कंधों में उसकी वजह से। तीसरा, अभी कोविड होके हटा है, कोविड के समय जो सुइयां लगी हैं लोगों को उसमें भी कईयों ने ये तकलीफ बताई है कि फ्रोजन शोल्डर हो गया है। और फ्रोजन शोल्डर होते ही अगर आपने उसको शुरू शुरू में हैंडल नहीं किया तो वो आपका साल से दो साल लगा देगा, है ना। तो अगर आपको ऐसी तकलीफ शुरू हो रही है तो हम उसको पहले ही हैंडल करना चाहेंगे और उसके लिए कुछ अभ्यास हैं योग में, उनको आज कोशिश करके देखेंगे कि कैसे हमारा जीवन आसान हो पाएगा योग के माध्यम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला अभ्यास। चलिए, सबसे पहले खड़े होने की स्थिति होगी हमारी ताड़ासन स्थिति, है ना। पैर जुड़े हुए, घुटने जुड़े हुए, शोल्डर्स रोल्ड बैक, है ना। ये सबसे सिंपल है, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड, ताड़ासन स्थिति। बात हम कर रहे हैं कंधों की, तो कंधों के लिए सबसे पहले इनको वार्म अप देने के लिए, है ना, कैसे होगा, हाथों की मुट्ठियां बनाई और ऐसा सोचें कि कंधों से चक्र बना रहे हैं, गोल गोल। साइड से भी दिखाऊंगा, आगे से पीछे। जिन्होंने भी पहले समय में ट्रेन का इंजन देखा है और उसका देखें चक्का कैसे चलता था, एकदम वैसे, और फिर पीछे से आगे। कोशिश रहेगी इसमें चिन लॉक ना हो, है ना, चिन उठा रहेगा अपने आप। कोहनियाँ, अच्छा कई बार गलती हो जाती है, लोग कोहनियों से मुड़ते नहीं, क्योंकि हमें कंधे पर ध्यान देना है। कोहनी एकदम लॉक रहेगी और कंधे को ही चलाएंगे। ये हो गया सबसे पहला वार्म अप, है ना, कंधे को खोलने के लिए। एक बार जब कंधा ओपन लगने लगे, इसके बाद स्कंद चक्र का पहले तो हाफ वर्जन होगा। कैसे होगा, हाथों की छोटी छोटी पुड़िया बना के कंधों पर रखी और कंधों को आगे पीछे। अब इसमें जिनको तकलीफ है वो देखें कितना उनका हाथ जा पाता है, इसको आगे पीछे, आगे पीछे। हाथ अभी भी कंधों पर ही रहें, ठुड्डी उठी रहे और हाथों को चलाते रहें। ये अभी भी हम कंधों को खोल रहे हैं, है ना। फिर विश्राम, हर एक्सरसाइज, हर प्रैक्टिस के बाद, हर क्रिया के बाद विश्राम लें, ब्रेक लें, ज़रूरी है। और ब्रेक की प्रक्रिया कैसे, कि अगर आपने 30 सेकंड के लिए अभ्यास किया है तो 45 सेकंड का ब्रेक लें, ब्रेक हमेशा डेढ़ गुना, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास, तीसरा अभ्यास होगा स्कंद चक्र पूरी तरह से। फिर से पुड़िया बना के या अंगूठा कंधों पर रखकर कोहनी को जोड़ेंगे एंड एज यू ब्रीद इन, बाइसेप्स आपके कान के पास से जाते हुए और पूरा पीछे घुमाएंगे। 3, 2, 3, 4, 5, ऐसे 10 का राउंड कर सकते हैं, एक तरफ से 10 और फिर पीछे से भी 1, 2, 3। मैं 5 कर रहा हूं पर आप 10-10 का राउंड करेंगे इसमें और फिर आराम से वापस आएंगे, फिर से ब्रेक लेंगे, रिलैक्स कराएंगे। बहुत ज़रूरी है, देखिए जितना स्टिमुलेशन ज़रूरी है उतना ही रिलैक्सेशन ज़रूरी है, याद रखेंगे। अगला अभ्यास होगा, इसमें सीधे हाथ को कंधे की लाइन में पैरेलल टू द ग्राउंड, ब्रीद इन किया, श्वास भीतर और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ लेफ्ट साइड जाते जाए, फिर एल्बो से एल्बो को पुल करेंगे, है ना। और एक बार जब एल्बो पुल हो जाए, ये हाथ सीधा ही रहेगा, कोहनी सीधी रहेगी, यहाँ पर जोड़ पर देखें क्या प्रभाव पड़ रहा है और ठुड्डी आपकी सीधे कंधे के ऊपर से 5 से 10 श्वासें लें यहाँ पर रहकर
और फिर हाथ को छोड़ें, हाथ नीचे आ जाएगा, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर उठेगा, बाएं हाथ को उठाकर दाईं तरफ लेते गए, कोहनी से कोहनी खींची और ठुड्डी को दूर करें, है ना, कोहनी सीधी करें, और फिर उसके बाद आराम से वापस। अब कोशिश ये रहेगी कि इसे कम से कम 4 से 5 इसके राउंड करेंगे, दूसरे राउंड में ही आपको इसमें ओपननेस फील होने लगेगी। चलिए अगला अभ्यास। अभी हमने शोल्डर्स को अब और ओपन करने के लिए, है ना, हमें एक स्ट्रैप की ज़रूरत पड़ेगी, उसको देखेंगे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे आपकी चुन्नी हो, घर में योगा स्ट्रैप होता है वो हो, कोई भी हो, उससे चल जाएगा काम, है ना, तो उसको हम अभी यूज़ करेंगे। स्ट्रैप को यूज़ करने का बहुत सिंपल तरीका है, एक हाथ का गैप, मतलब कि अगर अंगूठे में फंसाया और पूरा वन आर्म डिस्टेंस, ठीक है, एक हाथ का गैप लेते हुए सामने की तरफ लाएं। अब जैसे ही ब्रीद इन होगा हाथ ऊपर जाएगा, अब यहां से जितना ऊपर उठा सके, चेस्ट ओपन होता रहेगा, हाथों को पुल करते जाएंगे, है ना, पीछे से भी दिखा रहा हूं, हाथ बाहर ज्यादा ना जाएं, चेस्ट को ओपन करते जाएं, गर्दन उठे, फिर वापस, फिर से ब्रीद इन। अच्छा, इसमें दुखेगा बहुत, अगर ऑलरेडी फ्रोजन शोल्डर है तो ये बहुत दुखने वाला है, तो ध्यान रखें, अपनी क्षमता अनुसार करें, और एक समय ऐसा आएगा जब यह हाथ आपका पूरी तरह से पीछे जा पाएगा, अभी नहीं होगा पर जब होगा बड़ा अच्छा लगेगा पूरा। और जिनको फ्रोजन शोल्डर नहीं है वो इसका प्रयास रोज करें, रोज अभ्यास करें, पूरा आम का चक्र बनेगा, है ना। अच्छा, जो ये ना कर पा रहे हो, ऐसा लगे कि ये नहीं हो पा रहा है, गैप बढ़ा लें चेस्ट तक, है ना, शुरू शुरू में है चलेगा, अब गैप बढ़ाकर करेंगे तो और सहजता से, बहुत ही आराम से हो पाएगा, एकदम ईजी, गैप बढ़ा सकते हैं मूवमेंट के साथ, ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रैप को यूज करके आप, एक प्रैक्टिस तो ये हुई, दूसरी प्रैक्टिस में इसी को अगर हम देखें, हाथों को ऊपर खींच के रखा, अब एक हैंड, राइट हैंड मुड़ेगा, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते जाएं, तो ये कोहनी सर के ऊपर आ जाएगी, फिर दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, इसी को साइड से दिखा रहा हूं, हाथ खींचे हुए हैं, कोहनी पीछे, ये कोहनी मुड़ जाएगी, फिर एक कोहनी सीधी, दूसरी कोहनी मुड़ी। क्या कर रहा है ये, आपके कंधे से और ये थोरेसिक रीजन पर एक्टिवेट कर रहा है, इसको ओपन कर रहा है, है ना। तो इस प्रकार से आप स्ट्रैप को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास स्ट्रैप से ही, कैसे, अभी हमने ऊपर से ओपन किया था, अब नीचे से ऊपर की तरफ ओपन करेंगे, हाथ पीछे ले गए, चाहिए तो मेजर कर सकते हैं, नहीं तो जहां हाथ पकड़ में आए अपने आप आपको समझ आ जाएगा। अब इसमें बॉडी आगे नहीं जाएगी, सिर्फ 1 2 3 हाथों को ऊपर ले जाएं, जितना संभव हो कोशिश करेंगे कि मुड़ना नहीं है, है ना, चेस्ट ओपन रहेगा, हाथ ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, हाथ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और जितनी भी प्रैक्टिस है 10 का राउंड, 10 बस, 10 से ज्यादा नहीं, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस प्रकार से आप इसका 10 का राउंड करेंगे और आप देखेंगे कि ये एरिया पूरा ओपन होने लग गया है, ऊपर से भी आपने किया, नीचे से भी आपने किया, सर्कल बनाए। अच्छा, एक और प्रैक्टिस, हाथों की मुट्ठी बनाकर पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया, मुट्ठी बनी, हाथ शरीर से हल्के से दूर आ जाएंगे, कोहनियां एकदम सीधी। अब अगर शुरू में हाफ सर्कल्स करेंगे, ये करने में भी थोड़ा थोड़ा अभी दुखेगा, पर आपको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है, और जब ये लगे कि हाँ ये इजी हो गया है, तो इसके पूरा चक्र बनाते हुए 10 का राउंड आगे से और फिर 10 का राउंड पीछे से, आप
अभी नहीं हो पाएगा, है ना। तो डरे नहीं, कोई बात नहीं, जो देख रहे हैं उसमें अपनी क्षमता, देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्षमता अनुसार करें। आप अगर जो मुझे देख पा रहे हैं और हम कर पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे अभी हो, पर उसके लिए आपको एम करना है, है ना। धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे तो ये सारी प्रैक्टिसेस आप कर पाएंगे। चलिए, ये छोटा सा अभ्यास, ये जितनी भी हमने प्रैक्टिसेस की, ये जो अभ्यास किए हैं, इनसे आपके शोल्डर को बहुत राहत मिलेगी। आपको जैसा मैंने बताया, शुरू शुरू में ये दुख सकता है, है ना। तो वॉल सपोर्ट के साथ चीज़ें भी कर सकते हैं, जितना भी हमने किया। आप मान लीजिए ये दीवार है, है ना, और दीवार के साथ आपने इतना भी कर पा रहे हैं तो बहुत है, है ना। ये बस दीवार पे हाथ लगाया, पुश किया, ये भी बहुत है। इससे भी धीरे धीरे शोल्डर खुलेगा, पर गिव अप ना करें, है ना। ऐसा ना सोचें कि मेरे ये क्या हो गया या ये कैसा जीवन मेरा है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन भी हो जाता है, ऐसा ना लें। ये सबके साथ होता है, है ना, और इसकी कोई उम्र नहीं है। हो सकता है, इनफैक्ट जापान में तो इसके लिए एक टर्म भी है, कहते हैं कि एट 40 हर किसी को होगा, तो ऐसा नहीं है, है ना। ज़रूरी नहीं है, आप अपना जीवन अपने सिस्टम को ठीक रखें बस, ठीक है। चलिए, अगली बार किसी अगली तकलीफ को लेकर और उसके सोल्यूशन के लिए कुछ योगा अभ्यासों के साथ मिलते हैं फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आज का सत्र देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। हरिओम तत्सत।